हमारे लैपटॉप या पीसी की विंडो एक्टिवेट नहीं है तो हम बहुत आसानी से ऑनलाइन उसे खुद ही एक्टिवेट कर लेंगे। आइए बताता हूँ मैं कैसे। पहले आपको सर्च करना होगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम पर आने के बाद आप सर्च करने वाले हैं विंडो 10 है तो विंडो 10 एक्टिवेटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, भले ही क्रॉस का साइन है। आपको इस साइट पर टैप करना है और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और जब आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको इसके पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, NUL ये लिखा होगा। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करके इसे कॉपी लेना है। अब विंडो R से आपको ओपन करना है नॉट पैड कंट्रोल V के साथ। कंट्रोल V के साथ पेस्ट करने के बाद आप इसे कंट्रोल S से सेव करेंगे, और ध्यान रहे आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लास्ट में बस आपको डॉट बैट लगाना है डेस्कटॉप पर, डॉट बैट के साथ सेव कर देता हूँ। हम देखेंगे हमारी सेव फाइल यहाँ डेस्कटॉप पर आ चुकी है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे यस कर देते हैं। और जैसे ये टेक्स्ट कंप्लीट होगा हमारी विंडो एक बार सिस्टम रिस्टार्ट होगा और विंडो एक्टिवेट होकर हमारे सामने आ जाएगी।